काफ़ी अच्छी मूवी है, और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी चित्रकारी यूनिवर्सिटी को कि उन्होंने हमें यहाँ पे भेजा ये मूवी देखने के लिए। इस तरह के टॉपिक बनने चाहिए। हाँ ऑफ कोर्स बनने चाहिए, मैं तभी ट्रेलर देख के आई हूँ मूवी का, मुझे अच्छी लगी काफ़ी। आपको क्या लग रहा है, आज भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? हाँ बिल्कुल हो रही है, और ये न्यूज़ में काफ़ी चीज़ें जो है नहीं आ रही है, जैसे कि अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं, अभी आज की न्यूज़ है कि मैं देख के आई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में काफ़ी वो प्रोटेस्ट चल रहा है कि लड़कियों की वीडियो जो है वो वायरल हो गई है। तो बिल्कुल ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए और जिससे कि हमें पता चले कि हमें कैसे बचना है इन चीज़ों से। मैं इसको फ़िलहाल तो 4 देना चाहूँगी। थैंक यू सर जी। सिया का जैसे हम लोग स्टार्टिंग में हमें ट्रेलर भेजा गया, एक्चुअली हम लोग चित्रकारा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो हमें भेजा गया, हमें देखने हैं कि इसमें क्या है ऐसा ट्रेलर देखने के बाद, लेकिन यहाँ पाने का हमें पता चल रहा है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। और ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इतना बातें भी हो रही है कि इंडिया आगे बढ़ चुका है, इतनी सिक्योरिटी है, लेकिन कहीं नहीं, आप जाइए या कोई भी भारत के किसी भी स्टेट में, वहाँ पर अभी भी कहीं ना कहीं ये चीज़ है। विधायकी लाइक बोलते हैं ना, चचा हमारे विधायक, उस टाइप का चल रहा है। एंड ये मूवी हमें प्रमोट कर रही है कि हम इस चीज़ का बच सकते हैं, ये चीज़ गलत है, कुछ भी भले चाचा विधायक क्यों ना हो। तो थैंक यू प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, स्टेप को मूवी बनाने के लिए। एंड थैंक यू, आई थिंक पब्लिक को मैं यही कहूँगा कि मूवी जाकर देख के इससे ये होगा उनको को पता चले कि रियलिटी है क्या है, क्योंकि एक स्क्रीनिंग और एक रियल लाइफ में अंदर होता है। जो रियल लाइफ बेस्ड मूवी है उनको तो और ज़्यादा देखना चाहिए, जिससे वही खुद भी नहीं, अपने बेटे, अपने भाई, अपने हर किसी को समझा पाए कि देखो ये चीज़ है, उसे कैसे बचाव किया जा सकता है। एंड अभी तक जैसे हम लोग हाफ देखा, जिस टाइप से दिखाया है उस हिसाब से मैं 4 करूँगा, अगर पूरे देखने के बाद शायद आगे कर दूँ, क्योंकि उन्होंने दिखाया रियलिटी क्या, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं उस इमोशन को दिखाने में थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मैं थैंक यू कि इस टाइप को उन्होंने मूवी बनाया। थैंक यू, मूवी काफ़ी अच्छी लग रही है, और जैसे हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनके ऊपर काफ़ी पिक्चराइज अच्छे तरीके से किया जा रहा है, और होप कि ये मूवी आगे जैसे जैसे बढ़ेगी तो ये इस लड़की ये लड़की समाज में फाइट बैक करेगी और एक लेसन होगा समाज के लिए। हाँ ज़रूर बननी चाहिए, लेकिन यह है कि जैसे आज मैं देख रहा हूँ थिएटर में प्रेजेंस बहुत कम है, तो ऐसी मूवीज़ में लोगों को इंटरेस्ट आना चाहिए ऐसी मूवीज़ में, और ऐसी मूवीज़ ही समाज को सुधार सकती है। अदर देन कि हम ये जो आजकल लव स्टोरीज और जो बिल्कुल बेसलेस होती हैं डिस्क एंड ड्रामाज एंड ऑल दैट, वो उसके इवज में हमको ऐसी मूवीज़ को देखना चाहिए, हमको प्रोत्साहित करना चाहिए ऐसे मूवी बनाने वाले को, क्योंकि एक सच्चा सब्जेक्ट है और ये हमारे हर गांव में हर शहर में ऐसा हो रहा है, डेली हो रहा है, जिसको हम आगे नहीं ला पाते। समाज डरता है, नहीं बैकवर्ड फॉरवर्ड कोई नहीं लाना चाहता, कोई माँ बाप नहीं आगे आना चाहता, क्यों? क्योंकि उनको अपनी इज्जत का डर है, और हम लड़कों को एजुकेट नहीं प्रॉपरली कर पाते, लड़कियों को ही हर बार टोकते हैं, लड़कियों को ही रोकते हैं, तुम ऐसा मत करो। लड़कों को कभी कहते हैं माँ बाप, कभी लड़कों को सुधारने की कोशिश नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो लड़का है। और ये कुरीतियाँ सिर्फ हमारे समाज में इसीलिए, हमें बहुत ज़रूरत है कि हम लड़कियों को एनकरेज करें और लड़कों को एजुकेट करें। पब्लिक को ये पिक्चर देखनी चाहिए, ऐसे मूवी बनाने वाले को एनकरेज करना चाहिए, और हम वेल वर्स्ड होने चाहिए कि हमारे समाज में क्या आ रहा है। ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है जो हमारे समाज में हो रही। इट्स रियली गुड, मतलब आई एम मोर इन टू रियलिस्टिक सिनेमा, एंड ये हमारे कंट्री की हार्श रियलिटी है, एंड आई थिंक लोगों को भी ये देखनी चाहिए, एक अवेयरनेस मिलता है कि हमारे कंट्री में आज भी ऐसा एवरी डे के बेसिस पे बहुत लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है। सो रियली गुड मूवी, अभी तक तो 5/5। स्टोरी बहुत ही रियलिस्टिक स्टोरी है, एंड इट्स नॉट लाइक एवरी डे सिनेमा के हीरो आ रहा है हीरोइन को बचा रहा है, ये रियल जो हो रहा है एक्चुअली हो रहा है हमारे देश की लड़कियों के साथ, एंड इलिटरेसी इतनी ज़्यादा है उसकी वजह से
लोग फ़ायदा भी बहुत उठाते हैं, जैसे आई डोंट नो अभी क्योंकि सिर्फ इंटरवल हुआ है, मुझे नहीं पता है कि ये जो पुलिस एंड ऑल है एक्चुअली सपोर्ट कर रही है या फिर वो भी कुछ गलत करेंगे। तो इलिटरेसी दिखाई है, ये दिखाया है कि गरीब लोग हैं, गरीब लड़कियां हैं, उन्हें ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग उठा के लेके जा रहे हैं एंड स्टोरी इज़ वेरी गुड। सी द थिंग इज़ हमारे देश की पब्लिक के साथ ही ये इशू है कि अगर जैसे कि इस मूवी में कोई बिग स्टार्स नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसी मूवी को देख, एक बार तो देखना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सुपर स्टार्स वाली मूवी आप देखो या फिर वही जिसमें गाने हों और आइटम सॉन्ग्स हों, इन सारी चीज़ों को ही आप प्रमोट करोगे तो आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस। आई थिंक कि थोड़ा रियलिस्टिक चीज़ों को आप देखो तो अवेयरनेस होती है, जो एक्चुअल इश्यूज होते हैं, मुद्दे होते हैं, उन पे फिर बातें होती हैं, उनके कोई सल्यूशंस निकाले जाते हैं। सो आई थिंक देखना चाहिए।